वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुपुर दिया साढ़े 500 साल बहुत सोहना मनाया गया है, बहुत हर जगह सुल्तानपुर लोधी तो भी आया, उत्थे भी बहुत सोहना मनाया गया, इत्थे भी असी देखे बहुत सोहना मनाया गया, बहुत गुरु की मेहर है साढ़े ते, सात संगत जी इत्थे बहुत मेहर है कि नगर कीर्तन भी इतों लग के जाते हैं, हर के प्रोग्राम तो बहुत सोहना मनाया जाता है, असी बहुत खुश हाँ, बहुत धन्यवाद हाँ संगत का गुरु साहब का कि साढ़े तो इतनी मेहर की इस गुरु साहब ने अपनी, और तो भी असं बहुत खुश हाँ कि तुम हर चैनल से सब कुछ सू दिखा दौ, असी सब कुछ देखने वा, तो भी असं बहुत बहुत धन्यवाद करने वा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। अज नहीं रोजाना ही ये प्रवाह चलता है, आप भी देख रहे हो, कैबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान, आप भी दर्शन करोगे गदगद हो जाओगे। ये गुरु नानक साहब जी की कृपा है जो कि आईदा नहीं, बड़े समय साल तो यह प्रवाह दिन रात चलता रहता है। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जो सानू वीर पैरा लंगर की नींव रखी सी, आज साढ़े सामने साक्षात है। आप जी निर्मल कुटिया विच किसे वेले आके देखो कि महापुरश किवें सेवा करवा रहे हैं, दिन रात 24 घंटे लंगर इत्थे ही नहीं, हस्पतालों में जो मरीज हैं गरीबां दीआं झोंपड़ियां विच इत्यादि इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने कंबल कपड़े इत्यादि सारिया सेवावां सतगुरु जी की कृपा नाल जो गुरु नानक साहब जी ने सानू सेध दित्ती सी, गुरु नानक देव जी ने सानू इत्थे ते रोजाना ही 550 साल दिवस है, कोई फर्क नहीं है, आप जी देखोगे रोजाना ही इसे तरह प्रवाह चलते हैं। फिर भी अज के सुभाग दिन ते मैं आप सारिआं नू लख लख वधाई दिंदा हाँ, सतगुरु पातशाह कृपा कर साढ़े ते भी ये मेहर होवे, असीं भी गुरु नानक पातशाह जी ने मार्ग ते चल सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.
इस वेले दार जो है निर्मल कुटिया के खड़ा होया है। इस अवतार के उपर 52 खंडपाठ जो हैं इस वेले चल रहे हैं, जिन्हों की समाप्ति जो है कल होएगी। इस वेले गुरु का लंगर जो है टुट वरत रहा है, जिस विच महंत बाबा राम सिंह जी और सरपंच बाबा जी जो हैं संगत की सेवा करके गुरु महाराज की खुशियां हासिल कर दे रहे हैं। गुरु महाराज मेहर कर बख्शिश कर, इस तरह ही इस संसार नू जो गुरपुरब को लेकर क्या तैयारी है जो 550वां प्रकाश पर्व इस विच हजूरी आ गई, जिथे श्री दरबार साहब तो रागी सिंह आ रहे हैं और प्रसिद्ध कथावाचक ढाडी सिंह भी आ रहे हैं, जो संगतों को गुरु नानक देव पातशाह जी का जो संदेश है उसके बाबत जाणू कराएंगे। गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे? हाँ जी, इस स्थान पर गुरु महाराज 1505 इस स्थान पर 2 महीने इस ठठियारा महला जो है गुरुद्वारा साहब जो है बाजार में है उस स्थान पर रहे हैं, संगतों को नाम बाणी का उपदेश दिया। जो कलंदर पीर जो इतने कुछ दौर से जिसकी समाध है वह भी इतने पुज के गुरु महाराज नाल गोष्ठ करके गुरु महाराज का उपदेश हासिल किया।